1193 में, 1193 में रखी। ये जब गौरी यहाँ से वापस जाने लगा तो वो दिल्ली का तख्त और यहाँ की हुकूमत अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर गया और पहली दफे यहाँ इस्लामी मामलकत की बुनियाद रखी गई। अब सवाल यह है कि 712 से लेकर 1192 तक, 1193 तक हिंदुस्तान में कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी, तो फिर इन इलाकों में मुसलमान कैसे अक्सरियत में हो गए? अब वो मुकाबला तंग कह रहे हैं, इसका मतलब हरगिज नहीं कि वो हिंदुओं से ज्यादा है। इससे यह लगता है कि हिंदुस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत मुकाबला तंग यहां मुसलमान ज्यादा थे। अब इससे मुझे दो सवालों का जवाब मिला, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने बड़ा डिस्टार्ट किया है और हर हुक्मरान तारीख को डिस्टार्ट करता है, क्योंकि हर हुक्मरान तारीख से अपने नतज निकालना चाहता होता है और वो नतज निकालता है जो उसे सूट करते हैं, जो उसके थीसिस की या उसकी सोच की हमायत करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो नतीजे निकालता है। हमें सारी जिंदगी हिंदू और अंग्रेज ये बताता रहा कि जी हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार के जोर से फैला। अब मैं सोचता हूं कि यार 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, 2-3 बरस के बाद चला गया, 1192 दरमियान में 450 बरस गुजर गए, 450-550 बरस के बाद आके पृथ्वीराज और इनकी जंग होती है और उस वक्त तक कहीं भी यहां कोई इस्लामी ममलकत कायम नहीं। और उस वक्त तारीख फरिश्ता का मुसन्नफ ये कहता है कि इन तीन इलाकों में मुसलमान मुकाबलतन अक्सरियत में थे, तो ये तलवार कहां से आ गई? इन इलाकों में दीन तलवार से कैसे फैला? मुसलमानों की जो हुकूमत थी नहीं, वो फोर्सेबल कन्वर्शन जिसको वो कहते हैं, वो कहां से आ गई? सो सीधी सी बात यह है कि इन इलाकों में इस्लाम फैला सूफिया से, औलिया अल्लाह से और अल्लाह के उन बंदों की निगाह से या पैगाम से जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे और जो इस्लाम का पैगाम फैलाने वाले थे। ये उनकी बरकत थी, ये उनके नाम की बरकत थी। अब इसमें एक और मसला है काबिल गौर, जिससे मुझे गौर करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा, वो नतीजा गलत भी हो सकता है, वो ख्याल खाम भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसानी ख्याल है, कोई इल्हामी ख्याल नहीं है, बिल्कुल खाम हो सकता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यार ये मशीतें इसदी थी, ये क्या हमें पाकिस्तान के लिए जो बुनियाद रखी जा रही थी 1192-93 में, ये एक मशीतें इसदी थी। और मैं इस नतीजे पर इसलिए पहुंचा कि भाई औलिया अल्लाह तो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। औलिया अल्लाह क्या दिल्ली में नहीं थे, राजपुताना में नहीं थे, अजमेर शरीफ में नहीं थे, मजदूर लफसानी क्या मौजूद नहीं थे? औलिया अल्लाह तो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद थे। ये फिर क्या हुआ कि सिर्फ इन तीन इलाकों में मुसलमान मुकाबलतन अक्सरियत में आए? और फिर इस पर एक और बात काबिल गौर है आपके लिए, ये फूड फॉर थाट है, जरा सोचिएगा इस पर अल्लाह ताला की मशीयत क्या होती है, और फिर अपने आपसे ये सवाल पूछिएगा कि मशीयत इसदी हकीकत होती है या शराब। अब इसमें दूसरा नुकता ये है काबिल गौर कि मुकाबलतन मुसलमान इन तीन सूबों में अक्सरियत में हुए जो ज्योग्राफिकली कंटिजुअस थे, जो ज्योग्राफी जो जमीनी हवाले से एक दूसरे से जुड़े हुए थे या एक दूसरे से पैवस्त थे। अगर मुसलमान राजपुताना में अक्सरियत में होते और उसके बाद पंजाब में अक्सरियत में होते और उसके बाद वो जाकर लखनऊ में अक्सरियत में हो जाते, तो ना 1940 को 23 मार्च का ये रेजोल्यूशन आप पास कर सकते थे, ना आप ज्योग्राफिकली कंटिजुअस मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के टर्म इस्तेमाल कर सकते थे। पाकिस्तान की बुनियाद ही इस तसव्वुर पर थी कि वो सूबे जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं और वो ज्योग्राफियाई हवाले से एक दूसरे से मिले हुए हैं, उन पर मुश्तमिल हमें एक आजाद मुल्क चाहिए, इसलिए कि हम एक आजाद कौम है, हम एक अलहदा कौम है, हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी हर चीज हिंदुओं से अलग थलग है, हम माइनॉरिटी नहीं। अब ये बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं, ये छोटा सा एक हवाला, मैं कायदे आजम की तकरीरें पढ़ रहा था, एक कट लाइन आती है कायदे आजम की तकरीरों में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एक कट लाइन ये आती है कि 1937 तक तो कायदे आजम माइनॉरिटी की बात करते हैं, मुसलमान माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, और उसी हवाले से वो बात करते हैं। 1937 के बाद वो माइनॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, नेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। 1937 के बाद उनके ख्याल में एक तब्दीली आती है, एक एवोल्यूशन आता है, एक इरतका होता है, और वो कहते हैं कि हम माइनॉरिटी नहीं है, हम अकलियत नहीं है, हम एक कौम है, और दुनिया के हर डेफिनेशन के हवाले से हम एक कौम है। एक कट लाइन है, इसको जरा तारीख में याद रखिएगा, क्योंकि ये 1940 का फिर रेजोल्यूशन बाद की बात है और उस रेजोल्यूशन की बुनियाद ही यही थी। उस रेजोल्यूशन में अल्फाज भी वही इस्तेमाल हुए थे कि हम एक अलग कौम है, वो आप क्योंकि सब जानते हैं, आज के अखबार में उस तकरीर का तर्जमा छपा हुआ है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाता। तो मुख्तसर बात यह है कि ये एक मशीत इसदी थी कि 1192 में फरिश्ता के मुताबिक किन तीन इलाकों में मुसलमान मुकाबलतन अक्सरियत में थे, ये इलाके आपस में जुड़े हुए थे, ज्योग्राफियाई के लिए कंटिन्यूस थे, चुनाचे इनकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान का मुतालबा 1940 में आपने किया और आप कर सकते थे। अगर ये मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए थे, जो सूरत अब है हिंदुस्तान में, इस वक्त के हिंदुस्तान में यही एक सूरत है, आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं पिछले दिनों ही हिंदुस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तफसील देख रहा था, लोकसभा की
लोकसभा की हदबंदी की तफसील देख रहा था, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनको देख रहा था, तो मेरे लिए ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। ये एक मैं आज की बात आपको बता रहा हूं। सो मुख्तसर बात यह भाई कि मेरे लिए ये एक वशिष्ते ऐसी थी, वो मैं तारीख में जब पढ़ता हूं मैं सारे सफर को छोड़ देता हूं। मैं जब तारीख में पढ़ता हूं कि 1930 में जब अलामा इकबाल ने इलाहाबाद में अपना खुतबा पेश किया, ये आपके जहन में रहनी चाहिए बात, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि जलसे के लिए जितना कोरम चाहिए वो कोरम पूरा ही नहीं हो रहा था। 1930 तक मुस्लिम लीग की हालत यह थी कि जलसे का कोरम भी पूरा हो नहीं रहा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम फिलासफर और मुसलमान शायर हजरत अलामा इकबाल, जिनका बड़ा नाम और जिनके पैगाम का तूती पूरे हिंदुस्तान में बोलता था, वो खिताब के लिए तशरीफ रखते हैं, यहां कोरम भी पूरा नहीं हो रहा। और उधर हमीद जलंधरी और बाकी शायर जो हैं वो अपनी नातें और अपना कलाम और अपने शाहनामे के हिस्से सुनाकर लोगों को मसरूफ रखे हुए हैं, गरमा रहे हैं, कोरम पूरा नहीं हो रहा। और मुस्लिम लीग के कारकुन गली बाजार में फैले पांच पांच पैसे की मेंबरशिप के फार्म लोगों से फिलअप करवा रहे हैं ताकि कोरम पूरा और जलसे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। वो मुस्लिम लीग 1930 वाली जिसमें अलामा इकबाल सालाना खुतबा देने गए और वो सालाना खुतबा हमारे लिए एक रोशनी का मीनार बन के रह गया, एक रोशनी का मीनार है और रोशनी का मीनार बन के रह गया। उस जलसे में कोरम पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग के कारकुनों को और वॉलंटियर्स को बाहर लोगों को पांच पांच पैसे देकर जल्दी जल्दी मेंबर बनाना पड़ा। लेकिन 1940 23 मार्च को मत भूलिए, 23 मार्च 1940 को जब उसी मुस्लिम लीग का जलसा इस मुकाम पे लाहौर में होता है जहां आज सरकारी मुस्लिम लीग कई दिनों से MNAs और MPAs और तहसीलदारों और डिप्टी कमिश्नरों के जरिए खलके खुदा के लिए मुश्किलात पैदा करके बसें वैगने दुनिया की हर ट्रांसपोर्ट में कब्जा करके लोग इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 1940-23 मार्च में जितने लोग यहां मौजूद थे आज ये तमाम तर वसाइल के बावजूद इस परवेदी इज्तिमा में तो इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। आप देख लीजिएगा अपनी आंखों से। अब मैं लंदन टाइम्स देख रहा था, लंदन टाइम्स मेरा नहीं है, ये किसी मुसलमान का नहीं है, ये एक 22 अखबार उन मानों में नहीं है, 1940 में बिल्कुल नहीं था। उसका एस्टिमेट ये है कि जिस जलसे में 23 मार्च, असल में ये 22 मार्च को शुरू हुआ था, 23 मार्च 1940 वाले इस जलसे में 1,00,000 लोग मौजूद थे, जब उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद कितनी होगी, 10-12 करोड़ होगी। आज सिर्फ पाकिस्तान में आपकी तादाद 15 करोड़ से ज्यादा है और सरकारी मुस्लिम लीग को इस परवेजी इज्तिमा के लिए बंदे इकट्ठे करने की एक आजाब पड़ा हुआ है। MNAs की सख्ती आई हुई है, बसों वालों की शामत आई हुई है, बेचारे लोग छुपे हुए अपने घरों में बसों और वैगनों वाले, और माशाल्लाह हर तहसीलदार और हर डिप्टी कमिश्नर और हर DCO और हर DPO DIG की शान अजाब की जान अजाब में है, कितने बंदे इकट्ठे करो जहां से जिस तरह भी हो सकता है लाओ। अब उस वक्त 1,00,000 लोग यहां मौजूद थे, ये मैं इसको मुर्जा इसलिए नहीं कहता कि मुर्जा तो नबियों से मुंसलिक होते हैं, लेकिन ये मार्का क्यों कर हुआ, ये मार्का सिर्फ इसलिए हुआ कि 1937 से लेकर 1939 तक हिंदुस्तान में जब कांग्रेस रूल हुआ, आपको बताया कि 6 इलाकों में 6 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत 1937 से लेकर 1939 तक रही इंतखाबात के बाद, तो जब मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा कि अंग्रेजों के होते हुए जब कांग्रेस रूल यहां होता है और हिंदुओं का हमारे साथ ये रवैया है कि ये हमें इंसान भी ट्रीट नहीं करते और हमें इंसानी मराद भी देने को तैयार नहीं, कुजा ये कि हमें ये बराबर की कौम समझे, तो उनमें एक इंकलाब आया और उनमें ये एक सोच पैदा हुई कि हमें एक अलहदा वतन की जरूरत है। और ये 1940 का जलसा जिसमें लोग अपनी जेबों से पैसा खर्च करके आए थे एट द कास्ट ऑफ